देखो बच्चों, आज हम तुम्हारे लिए गुणा, ठीक है, गुणा सिखा रहे हैं। क्या है गुणा में? दो अंकों से तीन अंकों की संख्या में गुणा करना। ये संख्या कितनी कहलाती है? यह है दो अंकों की, पांच और तीन यानी पचास, तीन त्रेपन, और यह तीन अंकों की, पांच तीन आठ यानी 538। हमें गुणा करनी है। गुणा में हमें क्या आवश्यकता पड़ती है? हमें पहली बात तो पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। जब हमें पहाड़ा याद होगा तभी हम गुणा कर पाएंगे। अब हमारा ये पहला सवाल है, इसमें हम देख रहे हैं हमें इसमें एक पांच की आवश्यकता पड़ेगी पहाड़ा की, और तीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें पांच और तीन का पहाड़ा याद होना चाहिए। याद नहीं है तो हमें ऐसी इस तरह से लिख लेंगे या देख लेंगे। हमने ये तीन का पहाड़ा पहले से लिख लिया, ये याद कर लेंगे। पांच का हमने ये लिख लिया है, हम ये इसमें से समझाएंगे कैसे तुम्हें ये गुणा के सवाल हल करने हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमें करना क्या है, ये जो आप दिखाई पड़ रहा है पांच और तीन, पचास तीन यानी इकाई पर है तीन और दहाई पर है पांच। पांच दहाई कितने होते हैं? एक इकाई में दस, पांच में पचास और तीन त्रेपन है। ये यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ सैकड़ा तक है। इकाई पर आठ है, ढाई पर तीन है और सैकड़ा पे पांच है। तो हम गुणा हमेशा इकाई वाले अंक से करते हैं प्रारंभ। तो हम तीन से गुणा करेंगे, पहले कहां करेंगे? इस वाले इकाई के अंक में, इस वाली संख्या के इकाई के अंक में तीन से हम गुणा करेंगे। तीन का पहाड़ा हमें कहां तक पढ़ना है? आठ तक। यहां हम देख लेंगे तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तीन नौ, तीन चौक बारह, तीन पंच पंद्रह, तीन छक अठतीस, तैतीस, तीन अट्ठे चौबीस, ये आएगा तीन अट्ठे चौबीस। अभी आ गया चौबीस वाला, आया ये वाला। अब चौबीस में ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। इकाई वाला जो अंक होता है चार, वो हम कहां लिखेंगे? ले जाके यहां लिखेंगे। और ये दो, ये वाला कहां लिखेंगे? ये जाएगा यहां हाथ में, ठीक है। अब क्या करेंगे? तीन का पहाड़ा हम इस वाले तीन में पढ़ेंगे। फिर तीन का पहाड़ा कहां पढ़ेंगे? इस वाले तीन में पढ़ेंगे। तो तीन का पहाड़ा तीन तक पढ़ना है, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तीया नौ, ये नौ आ जाएगा, तीन तीया नौ आ जाएगा ये। फिर नौ ये और दो वाला ये जोड़ देंगे यहां से। नौ तो कितना हो जाएगा? ग्यारह, ग्यारह हो गया। ग्यारह का एक ये इकाई का अंक जो है हम यहां लिख देंगे, और ये जो ढाई का अंक है इसमें ये यहां लिख देंगे। अब तीन का पहाड़ा हमें किस में पढ़ना है? पांच में पढ़ना है। तीन का पहाड़ा कहां तक पढ़ेंगे? पांच तक। तीन एक तीन, तीन दूनी छह, तीन तीन नौ, तीन चौक बारह, तीन पंजे पंद्रह, कितना आया? पंद्रह आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब एक ये जोड़ देंगे पंद्रह में, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? पांच एक छह और एक सोलह, ये कितना आ गया? सोलह। अब आगे अंक है नहीं कुछ, तो हम सोलह के सोलह यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया पहला अंक। अब क्या करेंगे हम इसको साफ कर देते हैं। ये आपका पहला कंप्लीट हो गया, इसके बाद क्या करेंगे? अब ये पांच आता है, पांच ही गुणा कहां से शुरू करेंगे? आठ से, ठीक है। तो पांच का पहाड़ा हम कहां तक पढ़ेंगे? पहले आठ तक पढ़ेंगे, देख लेते हैं। पांच एक पांच, पांच दून दस, पांच तीन पंद्रह, पांचों बीस, पचम पच्चीस, पांच एक तीस, पांच पैंतीस, पांच अट्ठे चालीस, कितना आया? पांच अट्ठे चालीस, ये चालीस आ जाता है। चालीस में हमने बताया इकाई का अंक कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। इसके नीचे हमें क्रॉस लगा देने हैं पहले ही, क्योंकि इसके नीचे नहीं लिखना है अंक, सीधे ये वाला, ये वाला कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है। और ये जो चार जाएगा ये आपका हासिल यहाँ पहुंच जाएगा। अब क्या करना है? पांच का पहाड़ा किस में पढ़ना है? तीन में। पांच में तीन बार पढ़ लेंगे, तो पांच एकदम पांच, पांच दस, पांच तीन पंद्रह आ जाता है ये। अब पंद्रह ये आ गया, अब हासिल का चार हम ऊपर लगा बैठे हैं, ठीक है। चार इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये पांच और चार नौ और एक, कितना आएगा? उन्नीस आ जाएगा। उन्नीस का जो नौ है वो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। एक जो हासिल का ये बचेगा, ये ढाई वाला अंक, ये यहाँ पर लिख जाएगा। अब पांच का पहाड़ा कहाँ पढ़ना है हमें? पांच में, पांच बार, पांचवी बार में लिखेंगे। तो पांच एक पांच, पांच दस, पांच तीन पंद्रह, पांच बीस, पचम पच्चीस आ रहा है, पच्चीस, ठीक है। ये पच्चीस आ रहा है, ये एक हासिल लगा है इसमें, तो ये हम जोड़ देंगे, ठीक है। पांच और एक छह हो जाएगा और ये दो, कितना आया? ये छब्बीस आ गया।
अब आगे कोई संख्या है नहीं तो 26 की हम यहाँ नोट कर देंगे, 26 की 26। क्या करेंगे आप? अब ये दाने यहाँ पर खींचेंगे ऐसे। अब इधर से हम जोड़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। ये दो लाइने हैं, ये जोड़ देंगे, ये चार का चार है यहाँ लिखेंगे, और एक और शून्य जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक आएगा। सी भी संख्या के लिए शून्य में जोड़ते हैं तो संख्या ही आती है। अब ये जोड़ेंगे, 6 और 9 कितना होता है? 15, ठीक है। 15 के 5 और हासिल एक यहाँ लगेगा, एक इसमें जोड़ देंगे, 2, 2 6 8 और 2 ये, तो ये आंसर इसका आ जाएगा। इस तरह से हम गुणा करना सीख लेते हैं।